गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी शालिनी। सो आज का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ या आज का वीडियो क्या होने वाला है। सो यस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम मीशो हॉल। सो आई पिक्ड अप कुछ रैंडम आइटम्स, सारे के सारे क्लोथिंग आइटम्स ही मैंने पिक किए हैं। कुछ बॉटम वेयर पिक किए हैं, कॉट सेट पिक किया है, ड्रेसेस पिक किए हैं। सो या आई एम लाइक क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने मीशो से कुछ पिक किया है एंड काफ़ी ज़्यादा मैंने मीशो के बारे में सुना हुआ है, इसलिए आई थॉट कि लेट्स पिक इट अप सम आइटम्स। सो मैंने सारे के सारे आइटम्स 4XL एंड 5XL साइजेस में पिक किए हैं। सो यस, लाइक बड़े बड़े साइजेस होते हैं तो हमें कहीं भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट मीशो पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिल रहे थे, 5XL, 4XL, 6XL। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई और देखते हैं कि मुझे कैसा क्या रिसीव होता है इतनी अफोर्डेबल प्राइस में। सो या विदाउट एनी फर्दर अ डिले, मैं सीधे ट्राई ऑन में चलूँगी। आगे आने वाली क्लिप्स सारी की सारी ट्राई ऑन होंगी, तो उसमें आप देख लेंगे कि मैंने क्या क्या आइटम्स पिक किए हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हेयर इज माई फर्स्ट ड्रेस विच आई गॉट इट फ्रॉम मीशो एंड दिस इज अ कॉलर्ड ड्रेस एज यू कैन सी। और ये नी लेंथ तक की ड्रेस मिल जाती है, इसके अंदर काफी सारे कलर ऑप्शन हैं, क्वालिटी इज लाइक अमेजिंग, फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिसीव हुआ है। जैसी मैंने ऑनलाइन देखी थी वैसी ही रिसीव हुई है। एंड या स्लीव्स आपको लॉन्ग मिल जाती है, मतलब इलास्टिकेटेड स्लीव्स है, तो आप चाहे तो इस तरीके से छोटी भी कर सकते हैं स्लीव्स को। एंड या काफी अच्छी लगी मुझे ये पर्टिकुलर ड्रेस। एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं आप, एज अ कुर्ता भी पहन सकते हैं, अंडरनीथ आप कुछ भी पहन सकते हैं, इसके जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, प्लाजो लेगिंग वगैरह के साथ भी। एंड या दिस इज माई फर्स्ट ड्रेस विच आई लव्ड इट सो मच। ओके, हेयर इज माई नेक्स्ट ड्रेस और यू कैन से अ कुर्ता ड्रेस। बंधेज में है ये, पर्पल कलर का, इसके अंदर आपको काफी सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे। इस टाइप से इसका स्क्वायर नेक है, एकदम ऑल इन ऑल प्रिंटेड है, बहुत ही ज्यादा अच्छा फैब्रिक है यू गाइज, इतना ब्रीदेबल और इतना सॉफ्ट फैब्रिक है। सो यह एंकल लेंथ तक है और आपको अंदर लाइनिंग भी लगी हुई मिल जाती है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा। एंड आई जस्ट लव दिस ड्रेस एज वेल, आई थिंक ये काफी अफोर्डेबल थी, 300 या 400 की थी और उसके अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा पीस रिसीव हुआ है। जैसे मैंने ऑनलाइन देखा मुझे वैसा ही रिसीव हुआ। सो या ये मैंने पर्पल कलर में पिक किया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कलर पिक कर सकते हैं। सो मैं इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकती हूँ, बहुत लाइट वेट, बहुत कंफर्टेबल है, और एल्स मैं इसको प्रॉपर सूट की तरह भी जाजअप कर सकती हूँ अंडरनीथ लेगिंग के साथ, हैवी दुपट्टे के साथ। सो या दैट्स अबाउट दिस पीस। ओके, हेयर इज माई नेक्स्ट ड्रेस और यू कैन से अ कुर्ता ड्रेस। आप इसको एज अ कुर्ता भी पहन सकते हैं, एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, मैंने इसको एज अ ड्रेस पहना हुआ है। सो दिस इज अनारकली कुर्ता एंड राउंड नेक मिल जाता है आपको, इस टाइप से ये स्लीव्स है, स्लीव्स पे गोल्डन प्रिंट वर्क हो रखा है एंड ऑल ओवर कुर्ता इज प्रिंटेड, बट ये जो इसमें गोल्डन फॉयल प्रिंट वर्क हो रखा है उससे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ऑन द स्लीव्स एज वेल एज ऑन द बॉर्डर ऑफ द कुर्ता। सो या काफी कंफर्टेबल है, काफी अच्छा रेयन फैब्रिक है, काफी अच्छा लूज है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड फिटिंग भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो या दैट्स अबाउट द सेकंड परचेज फ्रॉम मीशो, और ये वाला कुर्ता भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लाइक ये वाला ड्रेस आई एम लाइक क्वाइट सेटिस्फाइड, और काफी रीजनेबल प्राइस में मैंने सब कुछ पिक किया है। सो या दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। ओके, नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस कॉट सेट, जिसमें ये शर्ट और ये बॉटम है, कॉलर वाला शर्ट है, पूरा बटन डाउन शर्ट है और इस तरीके से ये बॉटम है, लाइक पजामा सॉर्ट ऑफ, जिसमें ऑल ओवर इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड दे रखे, पॉकेट्स नहीं है, और ये फुल स्लीव्स है जो कि परफेक्ट है इस टाइप के सीजन के लिए, लाइक अब थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो गई है इन अर्ली मॉर्निंग और थोड़ा लेट नाइट, तो कैजुअल वेयर के हिसाब से दिस इज लाइक द परफेक्ट, या फिर आप इसको ऑफिस और कॉलेज गोइंग है तो उसमें भी कैरी कर सकते हैं। सो या प्रिंटेड है ऑल ओवर, काफी ज्यादा पसंद आया, फैब्रिक इज लाइक रियली वेरी नाइस, काफी अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है, कंफर्टेबल ऑन बॉडी है। सो या ये वाली परचेज, लाइक ये वाला आइटम भी मुझे काफी अच्छा लगा। सो या मुझे फर्स्ट, लाइक अगर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की बात करें फ्रॉम मीशो से, तो मेरा
ये वाला रहा लाइक थम्स अप ए प्लस आउटस्टैंडिंग. दिस इज माई नेक्स्ट परचेज फ्रॉम मीशो. अब आगे चलते हैं. सारे बॉटम्स हैं मेरे पास, 5 बॉटम्स हैं. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बॉटम्स विच आई गॉट इट. ओके, हेयर इज माई बॉटम एंड ये रेड कलर का बॉटम है. एज यू कैन सी दोनों साइड पे पॉकेट्स मिल जाती हैं. थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और नीचे से इसकी फिटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. सो या आई जस्ट लव दिस बॉटम. और इसमें मैंने 3 कलर्स पिक किए. एक तो ये रेड एंड मरून वाला कलर है, एक मैंने ब्लू कलर पिक किया है और एक मैंने बेज कलर पिक किया है. सो आई जस्ट लव ऑल ऑफ दी 3 कलर्स. सो या कैसे लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा. प्योर कॉटन है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड ये अप टू 50 वेस्ट तक आप इसको पहन सकते हैं. एंड इसमें इस टाइप से ये ड्रॉ स्ट्रिंग भी दे रखी है सो दैट आप टाइट या लूज भी कर सकते हैं अपने बॉटम को. सो या दैट्स अबाउट दिस वन. ओके, हेयर इज माई नेक्स्ट बॉटम वेयर विच आई पिक दिस इन येलो एंड अ वाइट कलर. सो बिल्कुल सेम है पैटर्न वगैरह इसका और ये थोड़ा अफगानी लाइक पटियाला स्टाइल में. एज यू कैन सी इस टाइप से इसका नीचे वाला पार्ट है एंड पूरा ये इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है एज यू कैन सी. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ पैर कर सकते हैं. मैंने अभी ये स्वेट शर्ट के साथ पैर कर रखा है घर में, आप बाहर भी इसको पहन सकते हैं, कुर्ते के साथ भी पैर अप कर सकते हैं. और इससे काफ़ी ज़्यादा लूज है तो अभी सर्दियों में आप अंडरनीथ अपना कुछ थर्माकॉट वाला बॉटम भी पहन सकते हैं. सो या कोई और लेगिंग के साथ भी पहन सकते हैं. दैट्स अबाउट दिस वन. मैंने इसीलिए इसको इस टाइप से खरीदा, थोड़ा बैगी स्टाइल में, थोड़ा बड़े साइज में, सो दैट मैं इसको विंटर्स में भी लेयर अप कर सकती हूँ. सो या दैट्स अबाउट दिस वन. काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे. मैंने येलो एंड व्हाइट पिक किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर पिक कर सकते हैं. एंड इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन. So yeah, that's about this and the last piece which I got it from Meesho. Okay guys, so ye thi meri Meesho first time trying Meesho or you can say Meesho shopping haul. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मुझे ऐसा लगता है अब तो मेजरली लोग ट्राई आउट कर चुके हैं मीशो. आई थिंक आई एम द लास्ट वन टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट मीशो जिसपे काफी ज्यादा सस्ता सामान मिलता है. सो या कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश. बाय.